ग्यारह में आपका स्वागत है। और ये बनाऊंगी मैंने दाल भिगो दी है तुअर की, मूंगफली डाल के इसके अंदर ये बनेगी हमारे आज गुजराती दाल। इसकी गुजराती दाल बनाऊंगी खट्टी मीठी। और दो गाजर का बनाऊंगी रायता, एक गाजर शिमला मिर्च और मटर की बनाऊंगी सब्जी। तो आज सिर्फ रेसिपी दिखाऊंगी गाजर के रायते की और इसकी गुजराती दाल की रेसिपी दिखाऊंगी आज मैं आप लोगों को कैसे बनाती हूँ। मैं हमेशा पहले चीनी डालती थी, आज गुड़ डाल के बनाऊंगी, अच्छी लगती है वो भी। ये सब्जी कट गई है मेरी, इसमें है एक शिमला मिर्च, दो हरी मिर्च, एक आलू, थोड़े से मटर के दाने और एक गाजर। इसकी बनेगी सब्जी। और ये दाल मैं और मूंगफली जो भिगोई थी वो मैं अब चढ़ा दूंगी कुकर में। धो लिया है मैंने, पानी डाल दिया है इसके अंदर। ये मैंने गैस पर चढ़ा दी है और इसमें डाल दूंगी अपने स्वाद अनुसार नमक। दाल आपके यहाँ जितनी लगे उतनी ले, और नमक वगैरह अपने हिसाब से डालें जितना आप लोग खाते हो। और ये डाल दूंगी हल्दी। कुकर पर लगा देंगे ढक्कन हम। और ये जो दो गाजर कसी थी मैंने रायते के लिए वो धो के साफ करके मैंने कस ली थी और इसमें डाल दिया है पानी उबलने के लिए। इस पे रख देती हूँ गाजर उबलने के लिए मैं। और इस पे रख देती हूँ चावल का पानी। चावल मैंने एक कटोरी भिगो दिए थे। और इस पे छोंक देंगे सब्जी। और दाल के छोंक के लिए है मैंने कुछ लहसुन की कलियां और एक छोटी हरी मिर्च और थोड़ा कड़ी पत्ता। सिर्फ लहसुन का छोंक जाएगा इसमें, प्याज का टमाटर का छोंक नहीं लगेगा। सब्जी छोंक लगेगा जीरा। थोड़ा डाल देंगे हींग। और ये पूरी सब्जी जो कट की हुई हो जाएगी इसमें। बहुत सिंपल तरीका है सब्जी बनाने का। इसमें जाएंगे हल्दी थोड़ी सी और बहुत लाइट नमक। गैस को कर दिया है स्टील मैंने। अभी नमक हल्दी में पकेगी, धनिया और मिर्ची डालेंगे बाद में इसके अंदर और इसको मैं ढक के रख दूंगी। और पानी में आ गया था उबाल और मैंने चावल भी इसमें डाल दिया है। बहुत धीमी गैस से पकाऊंगी, चावल और खुले पकेंगे इसके अंदर। हमारी सीज गई है, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और हल्का सा धनिया पाउडर, बहुत थोड़ा सा। और थोड़ा सा इसको पकने देंगे और गैस को कर देंगे बाद में बंद। दो तीन मिनट पकाएंगे इसको ताकि हमारे मसाले जो हमने अभी डाले हैं वो भुन जाएं। ये दाल में सीटी आ चुकी थी, ये दाल बनती है थोड़ी पतली। और थोड़ा सा और उबालूंगी इसको मैं अभी, क्योंकि इसमें छोंक लगाना है। और ये इतना सा डाल दूंगी गुड़ इसके अंदर क्योंकि गुजराती दाल है हमारी। और ये आधी चम्मच से ज़्यादा डालूंगी अमचूर पाउडर इसके अंदर क्योंकि दाल बनेगी खट्टी मीठी वाली थी। उसमें से थोड़ी छोड़ दी है थोड़ा मेरे, क्योंकि मेरी दही में इतना ही गाजर बहुत है, इसको मैंने निचोड़ लिया है। इसको डाल देंगे इसमें दही में। ये दही को मैंने फेंट लिया था बहुत अच्छे से। इसमें लगाएंगे छोंक। अब ये मैंने चम्मच रख दी है गैस पर, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग। हींग डालने से कोई भी चीज गैस नहीं करती है। और ये डाल देंगे जीरा इसके अंदर। अब गैस को कर देंगे बंद। और इसमें लेंगे ये
थोड़ी सी लाल मिर्च, ये रायता हो गया है तैयार हमारा, और इसको हम मिक्स कर, तैयार हो गई है हमारे। अब लगाएंगे दाल में तड़का, और दाल को मैं निकाल लूंगी एक बर्तन में। इसमें जाएगा रिफाइंड का छौंक, क्योंकि गुजराती दाल है और इसमें रिफाइंड का ही छौंक की खाई है हमने, तो ये जाएगा। इसमें जाएगा हींग, थोड़ा सा हींग मेरी हर सब्जी में होता है, चाहे किसी में कोई डालता हो या ना डालता हो। और इसमें जाएगा थोड़ा सा राई और जीरा, और ये जीरा भुनने के बाद जाएगा इसके अंदर लहसुन ये, और एक हरी मिर्च। और जाए कड़ी पत्ता इसके अंदर। जब ये लहसुन भुन जाएगा तो हम इसको, क्या है ये, गैस कर दूंगी बंद में। और ये लाल मिर्च इसके अंदर डाल के ये लगा के दाल में छौंक। दाल भी हो गई हमारी तैयार। आज के दोपहर खाना हो गया है मेरा पूरा तैयार, सिर्फ चपाती बनानी है और सलाद कट करनी है। ये बन गया है रायता, गुजराती दाल हमारी, मिक्स सब्जी और चावल, सब तैयार हो गया है। और मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, आई बेल बटन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।